नमस्कार सभी लोगों को मेरा। आज मैं दो हिस्सों में ये प्रोग्राम लेने वाला हूँ। पहली बार मुझे लगता है कि ऐसा होगा कि जूम के ऊपर मैं 50 मिनट से ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि अराउंड आज हमें दो सब्जेक्ट कवर करने हैं। एक है लॉ और दूसरा है कि ये लॉ को लेके अभी नेटसब के जो हमने पाथफाइंडर मिला है, जो टूल्स मिले, तो इसी को लेके हम लोग किस प्रकार से हमारे अचीवमेंट इस महीने में हम लोग कर सकते हैं। तो ये दो सब्जेक्ट के ऊपर मैं बोलने वाला हूँ। तो मैं मेरा पीपीटी यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं तो पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि हम एज अ डायरेक्ट सेलर बहुत दिनों से, 4 से 5 सालों से वेट कर रहे थे, क्योंकि 4 5 साल पहले हमारे इंडस्ट्री के लिए कुछ लॉ यहाँ पे, मतलब रेगुलेशन बेसिकली आया था, रूल्स आए थे, गाइडलाइंस आई थी, और ये गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग वेट कर रहे थे कि ये लॉ कब आएंगे, और अभी ये लॉ आए हुए हैं। और इसीलिए, और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो लॉ आए हुए हैं, इसके तहत अगर हम लोग देखते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग को लेके एक अलग माहौल बेसिकली अभी यहाँ पे पैदा होने वाला, पैदा हो रहा है, यस पैदा हो गया है, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जिसमें फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, हैज इश्यूड न्यू रूल्स फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, और ये 28 दिसंबर 2021 को ये न्यू रूल्स, मतलब कायदा अभी आया हुआ है। मतलब ये जो कायदा है, ये कायदा हमें बता रहा है कि आपको किस प्रकार से काम करना चाहिए। ये कायदा जो है, ये कायदा हमें बताया कि अभी आप इस बिजनेस में किस प्रकार से अच्छी तरह से काम कर सकते हो, किस प्रकार का सम्मान, मान सम्मान, ये सब आपको मिलने वाला है, किस प्रकार का प्रोटेक्शन आप सभी को मिलने वाला है। ये जो कायदा है, ये जो रूल है, ये रूल हमें यहाँ पे अभी दिखाने वाले। मतलब ये है कि ये जो है लॉ है, ये लॉ आपको लीगली काम करने के लिए एक मौका दे रहा है। अभी बहुत सारे सवाल यहाँ पे है कि भाई ये जो लॉ आ रहा है, ये जो कायदा आ रहा है, ये अच्छा है कि बुरा है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी कायदा आता है ना, तो कायदा ये समाज के लिए फायदेमंद होता है। कायदे ये अच्छी तरह से जो काम करने वाले हैं, सिस्टम से जो काम करने वाले हैं, उनके लिए ये जो कायदा है, ये कायदा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें समझना जरूरी है। मतलब ये कायदा किसके लिए अच्छा है, तो अच्छे लोगों के लिए ये कायदा अच्छा रहेगा, लेकिन बुरे लोग जो है, जो टीटिंग वाले लोग है, जो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, सिस्टम से काम नहीं कर रहे, इन लोगों के लिए 100% ये कारा कायदा बुरा साबित होने वाला है। ये सभी ने बेसिकली याद रखना चाहिए। और हमें एक बहुत गर्व होता है कि यस, हम लोग 5 साल से जो वेट कर रहे थे, ये वेट अभी खत्म हुआ है, और हम लोग ये कायदे के हिसाब से काम करेंगे, और ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, हमारे नेटसब नेटवर्क के लिए ये बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका है कि हम लोग अभी हमारे बिजनेस को अलग रूप से लेके जा सकते हैं। मतलब ये है कि ये जो कायदा है, ये कायदा हमारे कंज्यूमर्स के लिए, ये कायदा हमें, मुझे और आपके डायरेक्ट सेलर्स के लिए, और सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी मतलब कंपनियों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित यहाँ पे होने वाला है। और इसके जरिए अगर हम लोग देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में, हम लोग जो कहते हैं नेटसअप में, हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई नेटसअप एक कहता है कि यही बिजनेस करेगा आपका और मेरा नेक्स्ट जनरेशन। तो यस दोस्तों, 100% हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसे हमें आगे बढ़ने के लिए ये जो कायदा है, ये हमें प्रोटेक्ट करेगा। हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए ये इस प्रकार से साबित होगा कि हम लोग यहाँ से अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो डायरेक्ट सेलर से, ये डायरेक्ट सेलर्स के लिए ये जो कायदा है दोस्तों, ये कायदा बेसिकली एक हमें स्टेटस, एक मान सम्मान यहाँ पे दिलाने वाला है। ये कायदा है। अभी ये कायदों को लेके आज कुछ लोग जो है, जैसे यहाँ पे चंदेल साहब ने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे शासनकित है कि इनके मन में कुछ शंका है, तो आज मैं यहाँ पे प्रयत्न करूंगा कि आपके ये जो शंका है, ये पूरी की पूरी निकल कैसी जाए, ऐसे मैं यहाँ पे आपके आपके सामने यहाँ पे बात रखने वाला हूँ। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अभी हमने ये सोचा है कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। हमने 4 5 6 7 8 साल, मतलब नेटसब तो ये पहले से कर रहा है कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग इज अ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे कस्टमर तक यहाँ पे पहुंचाते हैं, और ये सिस्टम मतलब डायरेक्ट सेलिंग है ना। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट तो जरूरी है ही। अभी देखो कि ये डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो मुझे बताइए कि हम लोग जो पारंपरिक व्यापार जिसको कहते हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे कहते हैं, ये और ये अलग है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो ये कायदा क्या है, ये कायदा आपको समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, देखो सरकार यही कह रही है कि जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग है, वो भी यही कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है और अभी हमारे डायरेक्ट सेलिंग में क्या होगा।
देखो हम लोग हमेशा देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कौन कौन होता है, तो एक कंपनी होती है, सी एंड एफ एजेंट होते हैं, डीलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स यहाँ पे होते हैं और उसके साथ साथ कस्टमर भी होता है। अभी देखिए यहाँ पे जो सेल होता है, ये सेल कैसे होता है, ये हर एक व्यक्ति पैसा डालता है और यहाँ पे प्रोडक्ट भी आगे आगे बढ़ाता है, लेकिन एक्चुअल सेल कहाँ पे होता है, तो एक्चुअल सेल होता है हमारे रिटेलर के जरिए। और ये रिटेलर क्या करता है, कस्टमर को माल बेचता है, ये होता है एक्चुअल सेल। कायदा देखो अभी कायदा इसी हिसाब से जाने वाला है। अभी यहाँ पे देखो कि कस्टमर को क्या मिलता है, कस्टमर को यहाँ पे मिलता है एक प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट जिसने बेचा वो रिटेलर को क्या मिलता है, तो रिटेलर को मिलता है रिटेल प्रॉफिट, है ना। ये होती है शुरुआत ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। अभी यहाँ पे जो होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, डीलर्स है, सी एंड एजेंट है, कंपनी है, इनको क्या मिलता है, देखो ये जो लोग है बीच के लोग, इनको मिलता है बेसिकली, ये रिटेलर को मिलता है रिटेल प्रॉफिट, और इन लोगों को मिलता है कि ये जो टर्नओवर हुआ है, ये टर्नओवर को उनको मिलता है टर्नओवर कमीशन। अब ये पारंपरिक है, सालों से चलता आया हुआ है, और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को गवर्नमेंट ने लीगली करार दिया है, और इसीलिए ये सिस्टम लगातार चलता रहा है। अभी देखिए ये सिस्टम में जो लोग आते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, सबसे आपको भी मालूम है कि ये लोग डिसीजन लेते हैं बिजनेस करने का, उनको एक्सपीरियंस चाहिए, उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इन्वेंट्री डालना पड़ता है, स्टॉक रखना पड़ता है, क्रेडिट यहाँ पे होता है, कंपटीशन बेसिकली उनमें होती है, टाइम बेसिकली उनको देना पड़ता है, मतलब ये कि रिस्क लेके ये लोग ये बिजनेस कर पाते हैं, है ना। अभी इसके साथ साथ और एक बात है, ये तो सब कुछ करता है, लेकिन ये बिजनेस करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, तो ये बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनको यहाँ पे कुछ लाइसेंस निकालने पड़ते हैं, और ये अनिवार्य है, ये कंपल्सरी है, इसके बिना ये बिजनेस नहीं कर सकते पैसा डालने के बावजूद भी। मतलब इनको क्या लगता है, शॉप लाइसेंस, मतलब शॉपेक का लाइसेंस लगता है, इनको क्या लगता है जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, जैसे कि किसानों के प्रोडक्ट जो बेचते हैं, खेती के प्रोडक्ट बेचते हैं उनके लिए अलग, फूड के लिए प्रोडक्ट है उनके लिए अलग, ऐसे FSSAI वगैरह ऐसे इनको प्रोडक्ट के लाइसेंस निकालने लगते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, पहले तो वैट था, अभी GST आ गया है, मतलब GST का रजिस्ट्रेशन भी इनको करना पड़ता है। इसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं, इनको पैन कार्ड सबमिट करना पड़ता है, आधार कार्ड सबमिट करना पड़ता है, मतलब ये जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स हर बिजनेसमैन को यहाँ पे देने पड़ते हैं, और ये अनिवार्य है। और मतलब देखो कि ये जो एक पूरा का पूरा एक मॉड्यूल है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, इसमें ये सारी चीजें लोग हमेशा करते रहते हैं, और इसके साथ में इनको क्या मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये जब ये करते हैं तो सबसे पहली बात, ये जो ये डॉक्यूमेंट देते हैं, इस प्रकार से काम करते हैं, तो गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन बेसिकली इन लोगों को मिलता है, दुकानदार को, कंज्यूमर को, ये सबको एक गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन मिलता है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि ये जो बिजनेसमैन, ये बिजनेस ये लोग जो करते हैं ना, तो उनको क्या मिलता है, उनको एक स्टेटस रहता है, मतलब ये कि दुकानदार छोटा हो या मोटा, छोटा हो या बड़ा हो, हम लोग क्या बोलते हैं, सेठ बोलते हैं, साहूकार बोलते हैं, मतलब ये है कि इनको समाज में एक स्टेटस, एक उनका इमेज बेसिकली बनता है, और ये एक मॉड्यूल है जो जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, राइट। अभी देखिए हमने क्या कहा, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एंड कस्टमर तक। अभी मुझे बताइए, हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई हमारा बिजनेस अलग है क्या, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अलग है क्या, बिल्कुल नहीं। देखो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की मैं बात करता हूं तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी ऐसा ही है ना। यहाँ पे क्या होगा, अभी देखो फर्क कुछ नहीं है, सरकार भी यही चाहता है कि इसमें दोनों में फर्क नहीं है, और इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे लॉ लागू कर रहे हैं। देखो क्या होगा, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी कंपनी है, जैसे हम लोग नेटशप की बात करते हैं, अभी ये जो सी एंड एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, उसके बदले में कौन रहेंगे, हमारे डायरेक्ट सेलर रहेंगे, और डायरेक्ट सेलर में भी हमारा एक बंदा ऐसा रहेगा जिसे हम लोग कहते हैं रिटेलर। यस, आप लोग भी रिटेलिंग कर सकते हैं, तो रिटेलर रहेगा लेकिन उसको डायरेक्ट सेलर, वो है डायरेक्ट सेलर बनना पड़ेगा, और ये डायरेक्ट सेलर अभी यहाँ पे कस्टमर को नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट को लाया कहता है, ये कस्टमर नहीं है, ये कस्टमर नहीं है, तो ये कौन है, तो ये है कंज्यूमर। देखो शब्द कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कंज्यूमर है, मतलब हमारे सिस्टम में कस्टमर नहीं है, कंज्यूमर है। अभी यहाँ पे क्या होगा, सेम है, प्रोडक्ट धीरे धीरे जाएगा, ये रिटेलर जो एक्चुअल सेल कौन करेगा, एक्चुअल सेल हमारा डायरेक्ट सेलर करेगा, और डायरेक्ट सेलर जो रिटेलर है जब रिटेलिंग करेगा तो ये कस्टमर कंज्यूमर को माल देगा, कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट यूजफुल है, हमारे प्रोडक्ट यूजफुल होना चाहिए, प्रोडक्ट रिजल्ट वाला होना चाहिए, प्रोडक्ट के दाम भी सही चाहिए, प्रोडक्ट रिकरिंग चाहिए, तो इस प्रकार का प्रोडक्ट हम लोग कंज्यूमर को देंगे, और यहाँ पे ये कंज्यूमर का जो प्रोडक्ट का सेल हुआ, एक्चुअल सेल होगा, उसके ऊपर हमारा जो डायरेक्ट सेलर है, जो रिटेलिंग कर रहा है, उसको क्या मिलेगा, तो उसको मिलेगा रिटेल प्रॉफिट, और वो भी मिलेगा 10%। देखो गवर्नमेंट यही कह रहा है, नेट सब भी यही कर रहा है
है ना। मतलब देखो कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस, इसमें अभी कोई भी फर्क नहीं रहा, और इसीलिए गवर्नमेंट कह रहा है कंज्यूमर एक्ट। देखो हमारा एक्ट कौन सा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अभी इसके बाद में ये ट्रेडिशनल बिजनेस और ये जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ये मैच हो गया। अभी सबसे बड़ी बात क्या, देखो हमने देखा था कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं दुकानदार वगैरह, इनको क्या क्या करना पड़ रहा था उनको, अगर हम लोग, और दूसरी बात यहाँ पे जो हमारे ऊपर के लोग हैं डायरेक्ट सेल, मतलब एक डायरेक्ट सेलर जो रिटेलिंग कर रहा है उसको मिल रहा है रिटेल प्रॉफिट, और हमारे जो बाकी के लोग हैं उनको क्या मिल रहा है, हमारा प्लान सेम है, हमने कुछ भी बदल करने की आवश्यकता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट देखो, नेटस का कोई चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी क्योंकि नेटस लीगली काम करता है। मतलब यह है कि हमारा जो डायरेक्ट सेलर है जो रिटेलिंग कर रहा है उसको क्या मिल रहा है, उसको मिल रहा है रिटेल प्रॉफिट, और हमारे जो उसके ऊपर के जो लोग हैं उनको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, 3%, 4%, 5%, 6% जो हमारा कमीशन है, टर्नओवर कमीशन, ये इसको मिलने वाला है। इसमें कोई भी चेंज नहीं। मुझे कहने की बात क्या, देखो कि डायरेक्ट मार्केटिंग में लोग क्या करते हैं, लोगों को अनुभव चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए, स्टॉक चाहिए, क्रेडिट देना पड़ता है, कंपटीशन, टाइम, रिस्क, इतना करने के बावजूद भी देखो उनको भी यहाँ पे अपने को तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में दुकानदार हो या जो कोई भी हो उसको एक लाइसेंसिंग लगता है, वैसे एक लाइसेंसिंग हमें यहाँ पे लगने वाला। अभी जैसे दुकानदार को शॉप का लाइसेंस लगता है तो हमारे डायरेक्ट सेलर के लिए शॉप का लाइसेंस जरूरी है क्या, यह जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन जो जो हम लोग काम कर रहे हैं अभी, कंज्यूमर हम लोग अपॉइंट करेंगे, ये कंज्यूमर को अपॉइंट करके उनको डायरेक्ट देंगे माल, डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट देंगे हमारे स्टॉक पॉइंट के जरिए या हमारे हमारा जो सिस्टम है ई-टेलिंग उसके जरिए, तो यहाँ पे आपको शॉप का लाइसेंस नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमारा डायरेक्ट सेलर प्रोडक्ट घर पे रख के या दुकान पर रख के करना चाहता है तो उसके लिए शॉप लाइसेंस लगने वाला है। इसके साथ में दूसरी बात है प्रोडक्ट का लाइसेंस, प्रोडक्ट बेचने का लाइसेंस, अगर आप डायरेक्टली कंज्यूमर के जरिए बेच रहे हो तो आपको प्रोडक्ट का लाइसेंस नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप आपके घर पे या आपके शॉप से ये प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसके लिए प्रोडक्ट का लाइसेंस लगेगा। जैसे FSSAI है या कुछ किसान लोगों के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं, हमारे खेती के प्रोडक्ट है उसके लिए जो अनिवार्य है वो लाइसेंस लगेगा। नहीं तो आप अगर डायरेक्टली कंज्यूमर के जरिए बेच रहे हो तो ये लाइसेंस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अनिवार्य आपको कौन सा लगेगा, यस GST रजिस्ट्रेशन, ये कंपलसरी आपको यहाँ पे है। अभी बहुत सारे लोगों की ये शंका है कि सर ये GST का रूल तो ऐसा है कि भाई आपका इनकम 20 लाख के ज्यादा है या टर्नओवर 20 लाख के ज्यादा है या कुछ कुछ स्टेट में 10 लाख का भी दिया है तो वो होने के बाद में हमें GST निकालना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो GST किसको आवश्यक है, पहली बात देखो जिस GST इसके लिए आवश्यक है कि जो अपने प्रोडक्ट घर पे रख के शॉप पे रख के बेचता है, खुद बेचता है, मार्जिन लेके बेचता है, उसके लिए GST आवश्यक है। अभी देखो कि हमारे यहाँ पे हर कोई बंदा हमारा ये प्रोडक्ट रिटेल करता है कि नहीं करता है तो उसके लिए GST आवश्यक है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये GST आवश्यक क्यों है, GST आवश्यक इसी के लिए है कि जहां पे ई कॉमर्स होता है, जहां पे ऑनलाइन बिजनेस होता है वहां पे GST आवश्यक है। GST का जो रूल है 24, जिसको सेक्शन 24 बोलते हैं, ये 24 के अंदर में जो जो घर से प्रोडक्ट बेचेगा उसको GST आवश्यक है। इसके बाद में और एक रूल बेसिकली यहाँ पे ये है कि अगर आप इंटरस्टेट बिजनेस कर रहे हो, देखो अभी हमारा बिजनेस कैसा है, हम लोग यहाँ पे झूम पे मूल रहे ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ पे, अरे भाई अभी हम लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, रिटेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, आपके हाथ में नहीं है कि आपका बिजनेस कहाँ पे जाएगा, और इसी के लिए अभी आवश्यक है जीरो इनकम है और आपका बिजनेस अगर इंटर स्टेट है तो भी आपको GST लाइसेंस लगता है, GST नंबर लगता है, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है दोस्तों। तो GST ये सभी के लिए अनिवार्य है। अभी कुछ कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी भी एक दुविधा है कि सर GST हमें भरना है क्या, बिल्कुल नहीं, ये आपके दिमाग से एक ये चीज निकाल दो। देखो आपका जो भी इनकम होगा, जो रिटेल प्रॉफिट के जरिए होगा या टर्नओवर कमीशन के से होगा, ये पूरा का पूरा रिटेल जो जो आपका कमीशन मिलने वाला है रिटेल प्रॉफिट के जरिए या टर्नओवर कमीशन के जरिए, इसके ऊपर जो भी 18% GST है ये कंपनी आपके खाते में डालने वाला है, आपको भरना नहीं है। मैं 2 दिन से अराउंड 3-4 महीने अभी ये मीटिंग लिया तो बहुत सारे लोगों को मुझे ये सवाल आए थे कि सर अभी हमें GST हमें भरना है क्या, आपको GST भरना नहीं है, आपको केवल GST नंबर निकालना है और ये GST नंबर निकालने के बाद में कंपनी को सबमिट करना है। कंपनी
आपका जो भी कमीशन आएगा वो आपके जीएसटी नंबर में भरेगी। आपको सिर्फ हर महीने का रिटर्न भरना है, और ये रिटर्न भरने का कितना चार्ज होता है? 500 रुपए महीने का होता है, ज्यादा नहीं है। अरे 500 रुपए महीने का मतलब दिन का कितना हुआ? 17 रुपए का हुआ। आप ये दिमाग में रखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जीएसटी निकालना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। पहले जब पैन कार्ड नहीं था लोगों को, जब गवर्नमेंट ने पैन कार्ड सभी के लिए अनिवार्य किया तो लोगों ने उछल मुछल हुई, लेकिन जब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई पैन कार्ड निकालना पड़ेगा, उसके बिना अकाउंट नहीं खोलेगा, अकाउंट का पैसा नहीं निकाल सकेंगे, तो लोगों ने पैन कार्ड किया कि नहीं? अभी पैन कार्ड आदत हो गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वैसे ही था आधार कार्ड का, जब आधार कार्ड आया तो लोगों ने बहुत उल्टा पलटी किया, लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी किया कि आधार कार्ड है तो ही आप सब जगह पे जा सकते हो, आधार कार्ड है तो ही सब कुछ आपको मिल सकता है, अभी आधार कार्ड भी रेगुलर गया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में ये जीएसटी सभी के लिए लागू होने वाला है। और मैं तो बोलता हूं कि पहले आप अगर ये निकालेंगे तो आपको आसानी आसानी होगी, बाद में कठिनाइयां हो सकती है, बाद में ये पूरा का पूरा सभी के लिए होने वाला है। तो जीएसटी निकालना अभी हमारे भारत के लिए ये अनिवार्य चीज है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसको नहीं निकालना है, उसको नहीं निकालना है। दोस्तों देखो कि लोगों के ऊपर मत जाओ, भीड़ के ऊपर मत जाओ, अपना बिजनेस है, अपने बिजनेस के लिए जरूरी है, और ये हमें बेसिकली निकालना है। तो ये जीएसटी निकालना है, इसके साथ में पैन है, इसके पास में आधार है, ये सब आपको कल से, जिनके जिनके पास में जीएसटी है, कल अपना साइट ओपन होगा, वहां पे आपके वेबसाइट के ऊपर सभी कंज्यूमर बनने वाले हैं। आपको केवल क्या करना है, आपका जीएसटी नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड तो होगा ही, आपको अपडेट करना है। आप इमीडिएटली बनेंगे डायरेक्ट सेलर, मतलब आप लीगली बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आपको हक मिलने वाला है, अधिकार मिलने वाला है, ये सभी रूल्स के जरिए दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ बात यहाँ पे करूंगा, ये बात मैं आपके साथ में करने वाला हूं कि भारतीय जो राजपत्र है, तो ये राजपत्र में कुछ कुछ चीजें लिखी है। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपके पर जाऊंगा कि फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर से ये क्या कहता है। देखो ये जो रूल है, ये जो लॉ है, ये बेसिकली लॉ इस प्रकार का है कि ये रूल बेसिकली किसके अंदर आ रहा है, ये भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन दिस रूल्स में बी कॉल्ड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसके कौन में लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग। ये केवल डायरेक्ट सेलिंग के लिए बनाया हुआ रूल है ना, 2021 अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, 35 ऑफ 2019, ये उसके क्लॉज है अंदर के। तो ये रूल के अंतर्गत ये पूरा का पूरा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस अभी हमें करना है, और ये चालू हुआ है 28 दिसंबर से। इसीलिए हमारी कंपनी ने, नेटसअप ने यहाँ पे इतना टाइम दिया, और कल से ये पूरा का पूरा हमारा सिस्टम बेसिकली चालू होने वाला है। तो ये जो रूल्स है बेसिकली, ये रूल्स किसके लिए है? तो ये सभी कंपनियों के लिए है जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करती है, और अपने अपने जो प्रोडक्ट्स है ये प्रोडक्ट बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग के जरिए बेचती है, ये सभी कंपनी के लिए बेसिकली ये लागू है। अभी ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बाहर की हो या किधर की हो, अगर आप भारत में प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ये सभी के लिए लागू है। आप बाहर से आए हो इसलिए आपको अलग रूल नहीं है, जो जो कंपनियां बाहर की हो, भारत की हो, यहाँ पे आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब करने पड़ेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से बेसिकली हो रहा है। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि ये जो डेफिनेशन आपने समझनी जरूरी है। तो सबसे पहली बड़ी बात देखता हूं कि कंपनी मतलब डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, ये कंपनी जो है, ये कंपनी कौन होगी? तो ये मेन कंपनी होगी जो अपने प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलर्स के जरिए मार्केट में बेचेगी, ये कंपनी है, ये कंपनी के लिए लागू है। अभी डायरेक्ट सेलर मतलब आप और मैं, हमारे लिए हमारी डेफिनेशन क्या है? तो हमारी डेफिनेशन ये है कि भाई हम लोग डायरेक्ट सेलर मतलब कौन लोग है कि जिसको कंपनी ने अथोराइज करके अपॉइंट किया है, किसके लिए? उनके प्रोडक्ट बेसिकली उनका बिजनेस करने के लिए। मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके बीच में और कंपनी के बीच में। मतलब यहाँ पे लॉ ये कह रहा है कि भाई इसके इसके पहले शायद कैसे था मालूम नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल मतलब आप और कंपनी एक लेवल के है, ये लॉ हमें मतलब यहाँ पे देखो आपके, हमारी इमेज यहाँ पे बढ़ रही है, हमारा मान सम्मान यहाँ पे बढ़ रहा है। और यहाँ पे डायरेक्ट सेलर की व्याख्या बेसिकली गवर्नमेंट ने इस प्रकार से की है कि प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बिजनेस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों के बीच में, साइन करना पड़ेगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, लेकिन एक यहाँ पे हमें एक इस प्रकार की बेसिकली इमेज स्टेटस यहाँ पे हमें गवर्नमेंट बेसिकली दे रहा है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर मतलब क्या है कि भाई जो यहाँ पे प्रोडक्ट लेगा, किससे? डायरेक्ट सेलर से प्रोडक्ट लेगा, और ये प्रोडक्ट वो खुद इस्तेमाल करेगा। ये प्रोडक्ट ये किसी को भी बेच नहीं सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात ये है, बराबर? अभी फीचर्स ऑफ कंज्यूमर में बेसिकली यही लिखा है
कि आप जो कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर डायरेक्ट सेलर से प्रोडक्ट लेगा और ये प्रोडक्ट उसको किसी को भी बेचने का अधिकार नहीं है। कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट सिर्फ बेच सकता है हमारा डायरेक्ट सेलर, ये भी लॉ ने लिखा है। इसके बाद में मिस सेलिंग, अभी देखो कि हमारे जो डायरेक्ट सेलर से पहले ऐसा होता था, हम लोग हमेशा बोलते हैं, उदाहरण एक देते हैं कि भाई नेचरामोर 70 रोगों की एक दवा, ऐसा बोलना अभी मना है। आप चीटिंग नहीं कर सकते हो, मिस सेलिंग नहीं कर सकते हो, मिस प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, ये प्रोडक्ट जैसी की वैसी आपको बोलनी है, उसके कंटेंट जो है वही बोलना है और आपको सेल करना है। तो ये भी एक यहाँ पे व्याख्या बेसिकली दी हुई है। प्रोस्पेक्ट मतलब क्या है? अभी तक आप जो लोगों को ज्वाइन करते थे, अभी ज्वाइन आप किसको कर सकते? आप ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ डायरेक्ट सेलर्स को। कंज्यूमर आपको ज्वाइन नहीं होने वाला है, कंज्यूमर आप उसको जो ज्वाइन कर सकते हो वो सिर्फ प्रोडक्ट के लिए, बिजनेस के लिए आप कंज्यूमर को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। प्रोडक्ट के लिए आपको डायरेक्ट सेलर्स को ज्वाइन करना है और डायरेक्ट सेलर को आपको बुलाना है, उसको बताना है कि भाई तू किसी के किसके लिए यहाँ पे आ सकता है। तो ये भी बेसिकली व्याख्या यहाँ पे कंपनी दिए। पिरामिड स्कीम, पिरामिड स्कीम मतलब क्या है? मनी सर्कुलेशन मतलब क्या है कि एक कंज्यूमर मतलब जो यूज करने वाला है वो यूज ही करेगा, यूज करने वाला बेच नहीं सकता है। अगर यूज करने वाला बेचेगा मतलब कंज्यूमर कंज्यूमर को यहाँ पे अपॉइंट करेगा, तो इसका मतलब है पिरामिड स्कीम, इसका मतलब है मनी सर्कुलेशन। और इसी के लिए देखो यहाँ पे हमने जो मैंने आपको पहले ही जो बताया, पहले यही बताया कि कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज करेगा, डायरेक्ट सेलर उसको बेचेगा, ये डिफरेंस बेसिकली यहाँ पे आ रहा है। और ये पिरामिड स्कीम जो है, ये पिरामिड स्कीम चलेगी नहीं। और यहाँ पे हम लोग भी देखो कि हम लोगों ने ये पूरे के पूरे मतलब 95% की बात करता हूं, तो 95% हमारा जो बिजनेस का जो प्लान है ये एकदम सही है। और जो भी चुटकू फुटकू चेंजेस है, ये चेंजेस बेसिकली हमने अभी किया है, कल से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से हमारा बिजनेस चलने वाला है। अभी देखो सबसे बड़ी बात, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए कंपनी के ऊपर भी पाबंदी यहां पे लगाई गई है। तो कंपनी कैसी चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी कंपनी है उनके पूरे के पूरे उनका उनके कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? तो पहला सर्टिफिकेट है इनकॉर्पोरेशन का, मतलब कंपनी स्थापने का जो सर्टिफिकेट है, यह सर्टिफिकेट उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो उनको यहां पर दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात यहां पर क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये एमओयू आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा। इसमें पूरी की पूरी चीजें रहती है, कंपनी कैसे चलेगी, क्या चलेगी, कौन डायरेक्टर से क्या है, ये डिटेल बात बेसिकली यहां पे रहता है, वो भी उनको यहां पे सबमिट करना पड़ेगा। पैन एंड टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, देखो पैन उनको कंपनी को पैन होता ही है, हमारे हमारा तो पैन है ही, टैक्स डिडक्शन जो करती है कंपनी उसका एक कलेक्शन अकाउंट नंबर रहता है कि जो गवर्नमेंट को हमारा जो टीडीएस है ये कंपनी भरती है, उसका भी सर्टिफिकेशन उनको देना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड जीएसटी रिटर्न जो है उसके भी डिटेल कंपनी को सबमिट करने पड़ेंगे। आईटी रिटर्न्स, उसके ऑडिट्स, हर 3 महीने का ऑडिट, और बाकी भी रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट बैलेंस शीट के वहां पे उनको सबमिट करने पड़ेंगे। रजिस्टर ऑफ डायरेक्ट सेलर ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये दोनों तरीके का यहाँ पे हर कंपनी को यहाँ पे रखना पड़ेगा, और वो भी ऑडिट के लिए सामने रखना पड़ेगा। ऑल लाइसेंस रिगार्डिंग ड्रग, कॉस्मेटिक, मैन्युफैक्चर और ऑफ फूड पर्पज, मतलब आप कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट के सभी सर्टिफिकेट्स है, उसकी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस की सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट भी कंपनी को यहाँ पे लोगों के सामने रखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क, प्रोडक्ट जो है ये हर प्रोडक्ट का जो रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क है, मतलब ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ये कह रहा है कि प्रोडक्ट तो होना चाहिए, सर्विस तो होनी चाहिए, लेकिन ये प्रोडक्ट और सर्विस है आपकी खुद की है, ऐसा ट्रेडमार्क का भी रजिस्ट्रेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये कंपनी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है। इसके साथ साथ और भी जो ऑब्लिगेशन है, इसमें सबसे पहली बात है कि कंपनी कौन सी है, मतलब कंपनी सोलो प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ये उनको कौन से इसमें बैठती है कंपनी, इसका भी सर्टिफिकेशन आपको देना है। अब कंपनी का खुद का भारत में किधर भी एक फिजिकल ऑफिस होना जरूरी है। अभी देखो परसों मैंने एक वीडियो मुझे एक ने भेजा था, और वो वीडियो में एक व्यक्ति था, वो ऐसा बोल रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है उसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस होना चाहिए, लेकिन भाड़े का हुआ तो भी चलेगा। अरे आप सोचिए यार कि भाड़े का ऑफिस होगा, वो कंपनी क्या सर्विस दे सकती है, आप सोचिए। मतलब है कि कंपनी का खुद का ऑफिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और नेटसब का ऑफिस है कि नहीं है, आप कंपेयर करो ये लॉ को और अपनी कंपनी को, आपके समझ में आएगा कि नेटसब एक लीगल बेसिकली कंपनी है ना, तो ये भी जरूरी है। इसके साथ साथ सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि भाई आने वाले 90 दिन में, मतलब 31 मार्च के पहले कंपनी को एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि भाई हम लोग कोई भी पिरामिड स्कीम में नहीं है, हम लोग मनी सर्कुलेशन स्कीम में नहीं है, और हम लोग लीगली काम कर रहे हैं, उसका पूरा डॉक्यूमेंट के हिसाब से एक सेल्फ डिक्लेरेशन यहां पे देना पड़ेगा, उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे 90 दिन के अंदर में।
ये भी एक जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी की खुद की वेबसाइट होनी चाहिए। दोस्तों देखो, नेटसब इसके लिए पहले से तैयार है, प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ, बराबर है। और वेबसाइट के ऊपर सभी के सभी डॉक्यूमेंट, डायरेक्टर्स के एड्रेस, ये सब वहां पे बेसिकली लिखना चाहिए। ये जरूरी है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी आप देखिए कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी है कि जिनकी खुद की वेबसाइट नहीं है, बाहर से वेबसाइट तैयार करके लेते हैं, है ना। आप सोचिए, प्रोडक्ट खुद का नहीं है, क्या होगा। मतलब यह है कि आज जो लीगल कंपनी है, जो सिस्टम से कंपनी काम कर रही है, वही कंपनियां मार्केट में रहने वाली है, बाकी कंपनियां बंद होने वाली है। हमारे पास में ऐसे अभी तक तो 7-8 कंपनी के पूरे डिटेल्स आए कि जिन्होंने अपना धंधा बंद करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि ये इसमें बैठ ही नहीं सकते। मतलब आप सोचिए कि आप एक ऐसे कंपनी के साथ में काम कर रहे हो, नेटसब जिसका नाम है, कि जिस कंपनी ये लीगली काम करने के लिए यहाँ पे उतरी है। दोस्तों मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। अभी ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये कायदा क्या कह रहा है, ये कायदा ये कह रहा है कि जिस जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग है, उसका खुद का प्रोडक्ट चाहिए। और खुद का प्रोडक्ट मतलब क्या है, खुद का प्रोडक्ट मतलब यह है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद के मतलब खुद का नहीं है, तो प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट का आपका लाइसेंस खुद का, मतलब ट्रेडमार्क खुद का चाहिए। हाँ, ये ट्रेडमार्क आपका खुद का चाहिए, या आपने किसी से भाड़े पे लिया है, भाड़े पे ले लिया तो भी चलता है, लेकिन आप सोचिए कि भाड़े पे लिया हुआ ट्रेडमार्क का जो होल्डिंग है, लाइसेंस, ये कितने दिन चलेगा, नहीं चलेगा ज्यादा दिन। मतलब वो कंपनी भी प्रॉब्लम में आने वाली है। मतलब ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे कंपनी का ट्रेडमार्क खुद का चाहिए, ब्रांड ब्रांड खुद का चाहिए, है ना, आइडेंटिफिकेशन मार्क खुद का चाहिए। मतलब ये कि प्रोडक्ट खुद का चाहिए, जो प्रोडक्ट या गुड्स, मतलब जो प्रोडक्ट या सर्विसेस आप सप्लाई कर रहे हैं या लोगों को दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट खुद का चाहिए। और ये प्रोडक्ट खुद का नहीं है तो लॉ ये कहता है, मैंने इसमें लाल अक्षर में लिखा है कि अगर प्रोडक्ट आपका खुद का नहीं है तो आप ये प्रोडक्ट के ऊपर कमीशन नहीं दे सकते हो। अभी आप सोचिए, अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट खुद का नहीं है और उसके ऊपर कमीशन नहीं दे सकती है, तो क्या वो कंपनी चल सकती है क्या। इस पर मैं एक आपको बात करना चाहता हूं। देखो नेटशॉप के प्रोडक्ट खुद के कितने कम है, लेकिन हर प्रोडक्ट में दम है। और अभी ये लॉ बेसिकली यही कहता है कि भाई प्रोडक्ट खुद के चाहिए, 70 प्रोडक्ट हमारे खुद के, दोस्तों ये हमारी अभी प्रॉपर्टी है, हमारी एसेट्स है, और इसी के लोग देखो कि हम लोग कैसे अभी आगे हंगामा करने वाले, धमाका करने वाले हैं, ये अभी आप देखेंगे। और बाकी कंपनी जो है बोलती है हमारे 500 प्रोडक्ट है, 600 प्रोडक्ट है, अभी ये लॉ आने के बाद में उनके हाथ में 5 या 6 प्रोडक्ट भी रहेंगे ना तो बहुत है। मतलब यहाँ पे कि ऐसी जो कंपनियां हैं कि इधर से प्रोडक्ट लेके उधर देती है, ये सारी की सारी कंपनी सिर्फ बिजनेस प्लान के ऊपर खेल रही थी, वो सभी की सभी कंपनियां अभी बंद होने वाली है, ये आप दिमाग में रखिए दोस्तों। और लॉ बेसिकली यही कह रहा है ना। और हम जैसे ये कंपनी के ऊपर है, वैसे हमारे ऊपर भी कुछ है, हमें भी लीगल काम करना चाहिए तो हमारे डायरेक्ट सेल्स को। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा कंपनी के साथ में, और ये होना अनिवार्य है, ये पहली बात। दूसरी बात है कि हमें एक आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाएगा, और ये आइडेंटिटी कार्ड जो है इसके ऊपर हमारा फोटो रहेगा, एड्रेस रहेगा। ये आइडेंटिटी कार्ड आप जहां पे भी जाएंगे, आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाएंगे, या डायरेक्ट सेलर्स को आप अपॉइंट करने के लिए जब जाएंगे, या मीटिंग में बुलाएंगे, तो आपको यह आई कार्ड आपके साथ में रहना अनिवार्य है। इसके बाद में देखो कि जब अगर अगर मैंने बताया यहाँ पे एक लॉ कि आपको मिस बेसिकली सेल नहीं करना है, मिस सेलिंग नहीं करना है, और मिस सेलिंग होगा तो इसके लिए आप जिम्मेदार हो सकते हो, बी लायबल फॉर ग्रीवेंसेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ में आपको आपके प्रोस्पेक्ट को, प्रोस्पेक्ट मतलब कौन, जिसको आप डायरेक्ट सेलर बनाना चाहते हो, वो कंज्यूमर ही आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है, तो इसको आपको जो भी इंफॉर्मेशन आप देंगे, जो भी जानकारी आप देंगे बिजनेस के बारे में, ये सही होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। ये जो हमारा डायरेक्ट सेलर है उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, पैन अब अपडेट करना अनिवार्य है, बराबर। इसके बाद में अगर आप घर से प्रोडक्ट सेल करने वाले हो या आपके शॉप से करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको गुड सेल का भी लाइसेंस यहाँ पे लगेगा। मतलब यह है, और एक बात है कि जब भी आप आपके प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे या कंज्यूमर के पास में जाएंगे, तो आप आपका खुद का लिटरेचर नहीं बनाएंगे, कंपनी जो प्रोवाइड करेगा वही लिटरेचर आपको यहाँ पे देना है। ये रूल्स है ये हमारे डायरेक्ट सेलर्स के लिए। अभी कंज्यूमर अगर हमें बनाना है तो उसके लिए भी कुछ है। अभी देखो कि कंज्यूमर बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ नहीं चाहिए। कंज्यूमर बनाने के लिए सिर्फ उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, और अगर उसको हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट भेजना है तो ईमेल आईडी और उसका उसका एड्रेस बेसिकली प्रोडक्ट भेज के हमें लगेगा। बस हमें कंज्यूमर बना सकते हैं। कंज्यूमर ये है, ये कंज्यूमर ये प्रोडक्ट यूज करेगा। कंज्यूमर दिमाग में रखो कि कंज्यूमर ये प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता है, केवल और केवल डायरेक्ट सेलर जो है उसको ही परमिशन है, हक है, अधिकार है प्रोडक्ट सेल करने का, या
नए नए डायरेक्ट सेलर को जुड़ाने का। तो ये बेसिकली हमें दिमाग में रखना है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो लॉ है, ये लॉ फायदेमंद है हमारी कंपनियों के लिए, क्योंकि कंपनी एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकता है, सिस्टम से काम कर सकता है, लॉन्ग टर्म में चल सकता है, लोगों को विश्वास दिला सकता है, यस 100% ये कंपनी को फायदा होने वाला है। दूसरी बात क्या है, हमारे डायरेक्ट सेलर को भी फायदा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी अभी ऐसे ऐसे जैसे कि LIC के एजेंट से, बाकी एजेंट से, इनको एक सम्मान मान सम्मान रहता है ना। और अभी देखो कि क्या होगा, ये लॉ के हिसाब से हमारे डायरेक्ट सेलर को एक अच्छा बेनिफिट ये होने वाला है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि करियर कोई इंजीनियर बनता है, कोई CA बनता है ना, इसी तरह से नेट डायरेक्ट सेलिंग का करियर करने के लिए भी, अच्छा रुपया कमाने के लिए भी एक जबरदस्त मौका है। और लोग भी करने वाले अभी ये लीगल लीगल लॉ के हिसाब से, भाई तू यहाँ पे करियर कर, डायरेक्ट सेलिंग में करियर कर, यहाँ से तेरे तेरे जीवन में बहुत ही अच्छा बदलाव आ सकता है। तो डायरेक्ट सेलर के लिए भी यहाँ पे मुनाफा है, और सबसे बड़ी बात है हमारे कंज्यूमर के लिए। आपको आपने तो लॉ देखा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसी के लिए गवर्नमेंट ने 140 करोड़ की जो जनता है हमारी, ये इसको ना फंसने के लिए है ना, इसको इसको बेईमानी से वो जो फंसे थे ये ना फंसने के लिए, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का बेसिकली ये बिजनेस यहाँ पे लाया है। तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस बहुत ही जबरदस्त बिजनेस होने वाला है, बहुत जबरदस्त धमाका होने वाला है। और 2022 में अगर हम लोग देखते हैं तो 2022 में ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, और हम तो बात करते हैं हमारे नेटशप की, तो नेटशप में भी बहुत धमाका होने वाला है। बस आपको यहाँ पे रेडी रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद GST, विद GST, विद GST, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो एक सबसे बड़ी बात, मैं एक बात यहाँ पे लॉ के बारे में कहना हूँ, अभी ये आपको GST रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए कंपनी ने टाइम दिया है, क्योंकि कंपनी को भी ये सबमिट करना है डायरेक्ट सेलर का लिस्ट। तो अभी एक दिमाग में रखिए, हमें टाइम दिया है 5 फरवरी तक, बराबर कंपनी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है सबको, 31 जनवरी के पहले मेरा पैन कार्ड तो आपका होगा ही, लेकिन आपका आधार कार्ड और आपका GST नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट GST नंबर, ये आना ही चाहिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी मैं आपको और एक वार्निंग बेसिकली आप समझो या खुद भी समझो कि हमें 5 तारीख के पहले GST नंबर अपलोड किया हुआ चाहिए, इसलिए मैं आपको 31 तारीख बोल रहा हूँ। और ये अगर होगा तो क्या होगा, आपकी पोजीशन जो है अभी आपके ट्री में, ये पोजीशन आपकी बरकरार रहेगी, जो आपका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है ये कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आपका रहेगा, और आप डायरेक्ट सेलर करके अच्छी तरह से और अच्छा काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपका GST नंबर 31 तारीख या मैंने 20 तारीख 5 तारीख के पहले नहीं आएगा तो क्या होगा, आपकी पोजीशन जाएगी, आप डायरेक्ट सेलर नहीं रहेंगे, आप कंज्यूमर बनेंगे, आपका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस भी चला जाएगा। और इसी के लिए सावधानी बरतो दोस्तों, आपका जो GST नंबर है ये 31 तारीख के पहले निकालो, अपलोड करो और आप डायरेक्ट सेलर बनो। ये मेरी सबसे बेसिकली एक रिक्वेस्ट है। अभी ये मेरा पहला पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ है।